बदायूं में शिक्षक बना हैवान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कक्षा 3 की छात्रा को दिखाता था असली वीडियो। खुली पोल, एक और सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर शिक्षा की अलग जगा रही है। वहीं यूपी के बदायूं में शिक्षा के मंदिर को तार तार कर उसे कलंकित करने का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय के एक अय्या शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो नाबालिग छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाकर उससे अश्लील हरकतें करता था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वहीं शिक्षा विभाग भी उस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। उसकी सेवाएं समाप्त की जाएगी, साथ ही स्कूल की मान्यता भी निरस्त की जाएगी। बदायूं के सिटी पब्लिक स्कूल में कक्षा 3 की नाबालिग छात्रा को स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा अश्लील वीडियो और फोटो दिखाने के मामले में पुलिस ने दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। अब शिक्षा विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन को उसकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया गया है। अगर स्कूल प्रबंधन उसकी सेवाएं समाप्त नहीं करता है तो स्कूल की मान्यता समाप्त की जाएगी। इस बात की पुष्टि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की है। बदायूं से M आरिफ खान की खास रिपोर्ट। जी, ये तो एक प्रकरण संज्ञान में आया कि शहर का ही एक स्कूल है, सिटी पब्लिक स्कूल, वहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 3 की एक छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाए जाने के मामले में FIR दर्ज हुई। आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, तो आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, जो विभागीय कार्रवाई है? विभागीय कार्रवाई तो मतलब वहाँ के प्रबंधक को नोटिस जारी किया जाएगा। ये जैसे प्रकार के अध्यापक नियुक्त होते हैं तो गलत है, और उनको सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर जो प्रधानाध्यापक गिरफ्तार हुए हैं उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी कार्रवाई की जाएगी, और अगर स्कूल प्रशासन नहीं मानता है तो उनकी मान्यता समाप्त की जाएगी। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।